बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नासिया खान और खेलों की खबरों से मैं समी इकबाल आपको ज्वाइन करूंगा। कोरोना के मामले पर मुतवाजन हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रहे। एहसास रिलीफ प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ लोगों में 144 अरब रुपए तकसीम। 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए। टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खात्मे के लिए तमाम इदारे भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब है। भारत 80 लाख मजलूम कश्मीरियों को ताकत के बलबूते पर हक के खुदरादियत से रोक नहीं सकता। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पसीराई मिल रही है। कश्मीरियों की जदोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी, वजीर आजम इमरान खान। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का तारीखी तहरीकी मुआहदा। 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। तवानाई के शोबे में 2.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मारूफ थ्री गॉर्चीज कंपनी कोहाला हाइडल मंसूबा बनाएगी। मंसूबे से आजाद कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे, वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत का टैक्स फ्री बजट, गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया। वबा की वजह से टैक्स महसूलात में 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एनएफसी के तहत सूबाई फंड्स रोकने का कोई इख्तियार नहीं, वजीर सनअत पैदावार हमाद अजहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जेर सदारत पाकिस्तानी आमों की बरामदात बढ़ाने के हवाले से इजलास। एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग। बरामदात बढ़ाने के लिए आमों की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मजबूत हिकमत अमली तैयार की जाए, सदर मुमलिकत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का फॉरेन सर्विसेज अकेडमी का दौरा। रिवायती सिफारतकारी के साथ साथ मौशी और सकाफती सिफारतकारी वक्त का अहम तकाजा है। बेहतरीन सलाहियतों को ब्रुए का लाते हुए पाकिस्तान के मफादात को यकीनी बनाएंगे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। भारतीय फौज की एलओसी के करेला सेक्टर में बिला इश्तआल फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बनाया। बटला मित्रानी गांव की खातून शदीद जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तआल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, आईएसपीआर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरस्त। पायदार समाजी और मौशी तरक्की के लिए महफूज हालात की फराहमी में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे, आर्मी चीफ का कौमी सलामती इदारा और वॉर फोर्स के शुरुका से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताजा कार्रवाई के दौरान सोपुर में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। लोगों का नौजवानों की शहादत पर एहतजाज। भारत मुखालिफ और आजादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 4044 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,92,970 हो गई। 148 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,903 जान बहक, 81,307 सेहतियाब।
वजीर इत्तलात नशरियात सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा। इलाके के लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई है। हॉटस्पॉट एरियाज में हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। बातें नहीं अमली काम, जो कहा वो कर दिखाया। विफाक की वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। पिम्स 117, पोली क्लिनिक 13, सीडीए अस्पताल में 59 बिस्तरों का इजाफा, पिम्स अस्पताल में 20 और सीडीए अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए गए। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत। 30 जून तक 270 परवाजें आएंगी। 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आएंगे। बाहर जाने वाले मुसाफिर मुतलका मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक सफर करें। जो बीमार या कोरोना मरीज रहे हैं बगैर नेगेटिव टेस्ट एयरपोर्ट न आएं। मुआवन खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 96,55,000 से तजावज कर गई। 4,88,000 से जायद रुकमाए अजल बन गए। 52,44,000 मुकम्मल सेहतियाब। अमरीका में 1,24,000 से ज्यादा हलाकतें। और दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट का दूसरा मरहला मुकम्मल। स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों के एक बार फिर टेस्ट लिए गए। पीसीबी तमाम टेस्ट के नतीजे का ऐलान 27 जून को करेगा। 3 टेस्ट और 3 टी20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना के मामले पर हुकूमत का मौकिफ पहले दिन से बिल्कुल वाज़ेह है और हम आज भी इस पर कायम हैं। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमरीका भी गैर मुयना लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में टिड्डी दल, मईशत, निजाम तालीम और खारजा पॉलिसी पर तफसील से रोशनी डाली। तफसील जानिए रियाज परकी से। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोरोना का बहरान शुरू हुआ तो पाकिस्तान की सूरत हाल यूरोप और दीगर अमीर मुल्कों से मुख्तलिफ थी। लोगों को कोरोना के साथ साथ गुर्बत से भी बचाना था और हुकूमत एक मुतवाजन हिकमत अमली अपनाने में कामयाब रही। बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन थी। अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेकर आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैंने कॉन्स्टेंटली दो चीजों पे बात की। अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटल इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशन है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि IMF के अदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशतों को अब तक $12 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। किसी को पता नहीं कि यह बहरान कब तक चलेगा और इससे मजीद कितना नुकसान होगा। जो हमें इकॉनमी मिली ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। 2013 में 16,000 अरब रुपए का कर्जा था। जब हमारी बारी आई तो वो टोटल लाइबिलिटी 30,000 अरब पे पहुंच गए। पहला साल जो हमने जितनी भी टैक्स कलेक्शन की वो पहला साल वैसे ही मुश्किल था। आधा उसका चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं। 20 अरब डॉलर के रिजर्व थे वो क्रैश करके $10 अरब पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला 6 ट्रिलियन रुपया, 70% जो कर्जे थे वो शॉर्ट टर्म थे, हमने आके उल्टा कर दिया। हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए, हमने वो चेंज कर दिया डेट का
क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किफायत शियारी अपनाते हुए हुकूमती अखराजात कम किए। फौज ने भी भारत की तरफ से दिफाई बजट में इजाफे के बावजूद हुकूमत की किफायत शियारी की पॉलिसी को अपनाया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे कम किए। पाकिस्तान की फौज ने, ये दूसरी दफा है कि उन्होंने रियल टर्म्स में अपने खर्चे कम किए जबकि हिंदुस्तान अपने खर्चे बढ़ा रहे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कोरोना से मुतासर होने वालों के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम एहसास शुरू किया, जिसके तहत रिकॉर्ड वक्त में 1.5 करोड़ से जायद लोगों में शफाफ तरीके से 144 अरब रुपए तकसीम किए गए। हुकूमत मुल्क में 200 से जायद पनाहगाहें कायम कर चुकी है, जबकि 1 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज के लिए इंसाफ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क में मुख्तलिफ निजाम तालीम का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आइंदा साल मार्च से यकसान निसाब राइज हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही है। अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने फॉरेन मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज सब एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स की तरफ जा रहा है। हमारे सऊदी अरेबिया से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, हमेशा रहे हैं, उन्होंने मदद भी की। दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है। बड़े फख्र से कहता हूं कि हमें दोनों ने रिक्वेस्ट किया, ईरान ने भी रिक्वेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, और हम कर रहे हैं कोशिश। हम वो मुल्क इंशाल्लाह बनेंगे जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुल्कों को, और इंशाल्लाह मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी बड़ा अजाब बन चुका है। मगरबी मीडिया पर पहली बार मकबूजा कश्मीर को पजीराई मिल रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत 80 लाख कश्मीरियों को ज्यादा देर तक बंदूक के जोर पर काबू में नहीं रख सकता और कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक चीन राहदारी के तहत कोहाला हाइड्रो पावर मनसूबे की तामीर के हवाले से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर के 3 माहदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत किए गए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इस मनसूबे से ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इसी बारे में मजीद तफसील से अपडेट करेंगे रियाज बरकी। माहदों पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वजीर आजम इमरान खान, आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर, वजीर तवानाई उमर अयूब खान, सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा और पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन भी शरीक थे। दरियाए जेहलम पर तामीर किया जाने वाला 1124 मेगावाट का यह मनसूबा तवानाई के शोबे में सबसे बड़ी बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। माहदों की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि दरामदी ईंधन से बिजली बनाने के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा होता है बल्कि इससे ज़र मुबादला के जखायर और माहौल पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। हमें बाहर से फ्यूल इंपोर्ट ना करनी पड़े, जो भी उसका फ्यूल हो वो अपने मुल्क से हो। इससे हमारा जो मुसलसल प्रेशर पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर जो नुकसान होता है, हम उससे बच जाएंगे। हमारा पाकिस्तान का मसला, हमारा नौजवान आबादी है, हमें नौकरियां देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कंस्ट्रक्शन में भी होगा और जब प्रोजेक्ट चलना शुरू होगा तो तब भी आपके इलाके में नौकरियां मिलेंगी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने कहा कि इस मंसूबे से मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई की पैदावार को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओजिन ने कहा कि मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तवानाई के शोबे में तावन को फरोग मिलेगा। दिस इज अ मेजर अचीवमेंट अंडर द सीपैक फ्रेमवर्क and I believe that this is also the major investment project between the China and the Pakistan. With the support or the leadership of the Prime Minister Imran Khan, I think that the Chinese government and the Pakistani government have been speeding up our cooperation under the CPAC. Although that we are faced with these coronavirus challenges, but all the CPAC projects are moving satisfactorily. All the power plants, they are generating 1/3 of the electricity currently. That all the motorways and the highways are giving easy access to make the life as normal as possible.
The orange line has been successfully tested and will be finished. कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा चीन की सबसे बड़ी और मुस्तनद थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन की तरफ से 30 साल के लिए बिल्ट ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर की बुनियाद पर तामीर किया जा रहा है, जिसके बाद ये आजाद कश्मीर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मजाफात में अजान फजर का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ویلکم بیک اور بلٹن میں شامل بقیہ خبریں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کے صدر گوتابایا راجاپاکسے کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور متعدد دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے سری لنکا کی طرف سے کووڈ 19 وبا کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے سری لنکا کے صدر کو اس حوالے سے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال اور اپنی حکومت کی طرف سے کووڈ 19 کا پھیلاؤ روکنے، انسانی جانیں بچانے اور معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ملک اس بحران سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں جامع حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کی باہمی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے سری لنکا کے صدر کو مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے بھی آگاہ کیا اور تنازع کے فوراً حل پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے کووڈ 19 اور دیگر علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی رابطہ رکھنے سے اتفاق کیا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ 2020-21 پر بحث سمیٹتے ہوئے صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ بجٹ میں کرونا وائرس کی مشکل صورتحال کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ تعلیم اور صحت کے لیے مختص فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت این ایف سی کے تحت صوبوں کے فنڈز میں کمی نہیں کر سکتی۔ اجلاس کی مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے فہد جاوید۔ قومی اسمبلی میں بجٹ 2020-21 پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ کرونا وائرس کی مشکل صورتحال کے باوجود وفاقی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔
मकामी सन्नतों की तरक्की के लिए खाम दरामदी मसनूआत पर ड्यूटी में भी कमी की गई है। 1600 टैरिफ लाइंस के ऊपर जो हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो हमारे सनत के और पैदावार के जो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं उनके ऊपर ड्यूटी को वेव कर दिया गया। 10 किस्म के विदहोल्डिंग टैक्सेस को या तो रिड्यूस कर दिया गया या सिरे से खत्म कर दिया गया। कैपिटल मशीनरी को, मशीनरी लाता था 5.5% उस पर विदहोल्डिंग टैक्स देता था, उसको भी हम 2% पे लेके आए इस सख्त हालात के अंदर भी। बजट बहस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तहफ्फुज़ खुराक व तहकीक सैयद फखर इमाम ने कहा कि हुकूमत ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए जामे प्लान बनाया है जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। 11 जहाज जो है, 5 हम ऑन रेंट ले रहे हैं, 6 हम ला रहे हैं। इसमें हमें केमिकल की जरूरत होती है, मैराथन जो कि डेजर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लैम्डा जो क्रॉप्ट एरिया पे इस्तेमाल किया जा रहा है, पिछले दोनों में कुछ नुकसान भी हुआ था और हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां काश्तकार का नुकसान होता है उसको हमें पेमेंट करनी चाहिए, कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत का शोबा सर फहरिस्त है। हुकूमत ने इस बजट में ज़राअत के शोबे के लिए कसीर रकम मुख्तस की है। जो 3 सेक्टर वजीर आजम की प्रायोरिटी लिस्ट में है उसमें ज़राअत एक सेक्टर है जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो हम बहस कर रहे हैं। देखना यह है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और उसको शफाफ तरीके से हम कैसे बांटें। बहरी अमूर के वजीर अली जैदी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पोर्ट कासिम ऑपरेशनल रही है। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासिम के सनती इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को अपनी शक्ल दी गई है। पिछले 2 साल के कंजेकटिव पोर्ट कासिम अथॉरिटी में हाइस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ पोर्ट कासिम हुआ है, और मैं आपको ये बताता रहा हूं, 1 इंच जमीन पोर्ट कासिम की बेची नहीं है हमने, अलॉट नहीं की है, ये ऑपरेशनल रेवेन्यू है, छोटी छोटी चीजें ठीक करके रेवेन्यू बढ़ गया। हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि कोरोना वायरस की मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने इंतहाई मुतवाजन और टैक्स फ्री बजट पेश किया है जिस पर हुकूमती इक्तिसादी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया। अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए कौमी कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस के लिए हर फर्द, जमात और इदारे को अपना किरदार अदा करना होगा। जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी आम की बरामदात बढ़ाने से मुतालिक इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक के वज़ीर सैयद फ़ख़्र इमाम और ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत को बरामद कुनंदगान को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बैन अलावामी मंडियों में रसाई और हिस्सा बढ़ाने के लिए आम की क्वालिटी में बेहतरी लाने की जरूरत है। अफादी कुवत के सदादेकार और तकनीकी महारत में इजाफे के बगैर आम की बरामदाद में इजाफा मुमकिन नहीं है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी आम की बरामद के लिए जदीद मार्केटिंग हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से मुतालिक कमेटी का तीसरा इजलास सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। सदर मुमलिकत ने डिजिटलाइजेशन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ये इकदाम मुल्की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर मईशत और नज्म व नस्क के दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। सूबाई दारुल हुकूमतों से कमेटी के अरकान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास को ब्रीफिंग दी। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पावर डिवीजन की तजवीज पर बिजली की पैदावार के मंसूबों की 2002 की पॉलिसी के तहत निजी शोबे में पन बिजली के मंसूबों के लिए नजरसानी शुदा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दी गई। कमेटी ने रेवेन्यू डिवीजन की तजवीज पर स्मगलिंग के रुझान की हामिल अशिया बशमूल कपड़े, सैनिटरी के सामान, एलईडी टीवी, पैडलॉक्स और कंबल पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की मंजूरी दी। इजलास ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के लिए 5 तकनीकी जिमनी ग्रांट्स की मंजूरी भी दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें अपने अफसरान को बेहतर तरबियत के लिए रिवायती सिफारतकारी के साथ साथ मौशी और सकाफती सिफारतकारी के रमूज से भी रूशनास कराना होगा।
इस सिलसिले में निसाब में तब्दीली समेत तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विसेज एकेडमी के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि एकेडमी की तज़ईन व आराइश के लिए पाकिस्तान में चीन के सफीर के ममनून हैं। उन्होंने फॉरेन सर्विस एकेडमी के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया। भारतीय फोर्सेज की एनओसी के करेला सेक्टर में बिला इश्तआल फायरिंग, आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तआल फायरिंग से बटला मिथरानी गांव की खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज ने भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तआल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया और कौमी सलामती और वार कोर्स के शुरका से खिताब किया। आर्मी चीफ ने इलाके की सलामती की सूरत हाल और पाकिस्तान में दायमी अमन के हवाले से अपने ख्यालात से शुरका को आगाह किया। कौमी सलामती के हवाले से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को वाजह करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि चैलेंजेस जामे कौमी रद्द अमल और तमाम रियासती इदारों के इस्तेहकाम के मतकाजी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पायदार समाजी और माशी तरक्की के लिए दरकार सूरत हाल के लिए पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने वाजह किया कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पुरअज़्म है और कौमी तआवुन से तमाम मुमकिन इकदाम उठाएगी। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आमद पर यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सफीर ने मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एयर वॉर कॉलेज कराची में 33वीं एयर वॉर कोर्स कॉन्वोकेशन और ग्रेजुएशन तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वॉइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अहमद शहजाद ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक हालात से मुकम्मल आगही सिक्योरिटी की मजबूत सूरत हाल पर असरअंदाज होने के साथ आने वाले खतरात के बरवक्त सद्देबाद की तैयारी में भी मुआविन साबित होती है। उन्होंने कहा कि असर हाजिर में कोई फौज रवायती या गैर रवायती जंग में अकेले कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, इसके लिए अस्करी ऑपरेशंस में कामयाबी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मरकजी हैसियत हासिल कर चुकी है। उन्होंने ग्रेजुएट अफसरान में असनाद भी तकसीम की। ग्रुप कैप्टन तनवीर अहमद को टॉप ग्रेजुएट ट्रॉफी अदा की गई। तकरीब में आला फौजी और सिविल अहदेदारान और दोस्त मुल्कों के सफारतकार भी शरीक हुए। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाई के दौरान सोपुर में दो कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लोग नौजवानों की शहादत पर घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारे लगाए। भारतीय फौज ने एक और कार्रवाई के दौरान जिला बडगाम से 6 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ख्वाजा फिरदौस की जेर सदारत श्रीनगर में इजलास ने इस्लामी तावन तंजीम के इजलास के दौरान तनाज़े कश्मीर को मुस्लिम उम्मा का मसला करार देने को सराहा। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में एक कौम एक राशन कार्ड स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर में भारतीय हिंदुओं को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें मकबूजा इलाके का शहरी साबित किया जा सके। गैर कानूनी तौर पर नजरबंद शहरियों सैयद शाहिद यूसुफ और सैयद शकील अहमद के अहलखाना ने श्रीनगर से जारी बयान में भारतीय हुकाम पर जोर दिया है कि वो उन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से मकबूजा वादी में मुंतकिल करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमाओं जाहिद अशरफ और अब्दुल मजीद मीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में भारतीय फौज की तरफ से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह नौजवानों के मुसलसल कत्ल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है।
दूसरी जानब दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत की हालिया कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इस्लामी तआवुन तंजीम की राबता कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली पर तशवीश का इजहार और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट पर अपने रद्द अमल में कहा है कि रिपोर्ट से मायूसी हुई है। रिपोर्ट अपनी ही नफी करती है और दहशतगर्दी और उसकी माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सही तरह से बयान नहीं करती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक तरफ रिपोर्ट में यह तस्लीम किया गया है कि अलकायदा खित्ते में बहुत कमजोर हो चुकी है, दूसरी तरफ अलकायदा के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इकदामात को नजरअंदाज किया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी से कमी को भी तस्लीम किया गया है, ताहम उसकी वजाहत नहीं की गई कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात का नतीजा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने जिम्मेदारियों से आगाह है और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के इल्जाम को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को किसी भी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। रिपोर्ट अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ करने में भी नाकाम रही है। कोरोना वायरस के मोहलिक वार मुसलसल जारी हैं और पाकिस्तान में मजीद 4044 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,92,970 है। मजमू तौर पर 3,903 अफराद जान बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमू तादाद 71,191 है। सिंध में 74,070, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817 और खैबर पख्तूनख्वा में 23,887 है। गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 और आजाद कश्मीर में यह तादाद 930 है। अब तक मुल्क भर में 81,307 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वजीर इत्तला'आत सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में दोबारा टेस्टिंग से साबित हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन से मर्ज के फैलाव में कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से ही इस मर्ज को शिकस्त दी जा सकती है। वजीर आजम साहब की हिदायत पर मैंने मुख्तलिफ उन एरियाज का दौरा किया, हॉटस्पॉट जिनको डिक्लेयर किया गया है, इलाके के जो मकीन हैं उनको एक खास टाइम दे दिया जाता है, जो भी उनकी जरूरियात हैं, दवाइयां हैं वगैरह, उसके लिए खास एसओपीज बनाए गए हैं जिन पे के ये अमल कर रहे हैं। G9 के इलाके में जो उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की है तो उससे ये साबित हुआ है कि जो वो मर्ज की जो फैलाव है वो कम हुआ है। इस वबा को अगर हमने शिकस्त देनी है तो वो एक ही तरीके से हम शिकस्त दे सकते हैं, और वो है कि जो एहतियात की तदाबीर बताई गई हैं जिसमें कि खास तौर पे मास्क पहनना है, उस पर जरूर अमल करें। बातें नहीं अमली काम, जो कहा कर दिखाया। मंसूबा बंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने 21 जून को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी का वादा पूरा कर दिया है। पिम्स में 117 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 192 हो गई। पोली क्लिनिक में 13 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 27 हो गई। CDA अस्पताल में 59 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 83 हो गई, जो पहले 24 थी। पिम्स अस्पताल में 20 और CDA अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए गए हैं। वजीर आजम के मुआवन खसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ कहते हैं कि तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी है। 2 से 3 हफ्ते में बैरून मुल्क से तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि 26 से 30 जून तक 270 प्रवाजें पाकिस्तान आएंगी। इन प्रवाजों के जरिए 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल हिदायत की हुई है कि
अगर कोई मसला आए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो हमें उसको एड्रेस करना है। इसलिए खास तौर पे खलीजी ममालिक में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, सऊदी अरब में अभी भी हमारी एम्बेसियां हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी मदद कर रही हैं ताकि उनको जल्द अज जल्द टिकट मिलके वो वापस आ सके। जो हमारा मजदूर तबका है, जो सबसे बड़ा फोकस और तरजीह है वजीर आजम साहब की, वो अगले 2 से 2.5 हफ्ते में खलीजी ममालिक से मुकम्मल तौर पर वापस आ चुका होगा अगर वो आना चाहें तो। मामले खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने आलमी दार सेहत के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद अलमिधारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुलाकात की। इस दौरान कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान के इकदाम और WHO की मुमकिन मावनत पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि इस वक्त मुल्क भर में 543 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। डॉक्टर अहमद अलमिधारी ने पाकिस्तान की कोरोना से निपटने के लिए काबिश को सराहा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 8837 खिलाफ वर्जियां हुई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 887 मार्केट्स और दुकानें, 7 सनती यूनिट सील, जबकि 1513 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए हैं। आजाद कश्मीर में 717, बलूचिस्तान में 959, गिलगित बल्तिस्तान में 176, पंजाब में 2346 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। इस्लामाबाद में 11 दुकानों को सील और 1 ट्रांसपोर्टर को जुर्माना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई दवाओं और N95 मास्क की तैयारी के लिए दरामद की गई मशीनरी के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने N95 मास्क की तैयारी के लिए बैरून मुल्क से मशीनरी मंगवाने वाली निजी कंपनी के जराए आमदन के हवाले से तफसीलात भी तलब की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुकानें और दफातर बंद होने के बावजूद सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अदालत ने सिंध हुकूमत से 18 घंटे लोड शेडिंग की वजूहात के हवाले से रिपोर्ट तलब की। अदालत ने सिंध हुकूमत की तरफ से 4 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर भी नाखुशगवारी का इजहार करते हुए तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के पायलट्स के जाली लाइसेंसेज के मामले का नोटिस लेते हुए DG सिविल एविएशन अथॉरिटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। NDMA की जानिब से डॉक्टरों के लिए हिफाजती सामान की नवी खेप सूबों को तरसील की जा रही है। सिंध के अस्पतालों को सामान इरसाल कर दिया गया है। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक इस सामान में 2 लाख सर्जिकल मास्क और 45,000 मुख्तलिफ इकसाम के ICU मास्क शामिल हैं। 28,000 हिफाजती सूट और 50,000 सर्जिकल गाउन भी इरसाल कर दिए गए हैं। 75,000 दस्ताने और 25,000 हिफाजती एनके सिंध के लिए रवाना कर दी गई हैं। इसके अलावा 200 थर्मल गन्स और 5,000 प्लास्टिक शूज भी इरसाल किए गए हैं। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान गुलजार की जेर सदारत सूबाई काबीना का 31वां इजलास हुआ। काबीना ने रिकॉर्ड गंदम खरीदने पर वजीर आला और महकमे खुराक की कारकर्दगी की तारीफ की। काबीना इजलास वजीर आला और गवर्नर पंजाब की मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। सूबाई काबीना के इजलास में फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने के लिए अबूरी पॉलिसी 2020-2021 के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की सरबराही में कमेटी ने गंदम रिलीज करने की पॉलिसी के बारे में अपनी सिफारिशात पेश की। पंजाब काबीना की जानिब से रिकॉर्ड गंदम खरीदारी पर वजीर आला उस्मान बुज़दार, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और महकमा खुराक की कारकर्दगी को सराहा गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। इजलास में असेंबली रिजर्व फॉरेस्ट को साल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया गया। पंजाब काबीना ने 13,700 एकड़ अराजी पर नेशनल पार्क के क्याम का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने दी कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 और दी अनडिजायरेबल कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी भी दी। वजीर आला से सूबाई वुज़रा और अरकीन पंजाब असेंबली ने मुलाकात की। मुंतखिब नुमाइंदों ने वजीर आला को अपने हलकों के मसाइल से मुतालिक आगाह किया। वजीर आला ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि रवां माली साल के बजट में बिला तफरीक तमाम इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दी गई है। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन पंजाब असेंबली दानिश स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी की चेयरपर्सन सुमैरा अहमद ने मुलाकात की। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक सूबे के स्कूलों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और मियां महमूद रशीद ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुख्य हुकूमत कोरोना के बहरान में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रही है। कोरोना से बचाव की जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के लिए हिफाजती साजो सामान अतिया किया गया। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने आवाम से कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करने की अपील की है। तफसील बताएंगे हसन नासिर अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के 6 अजला की मुख्तलिफ यूसीज में जहां कोरोना के ज्यादा केसेस पाए गए थे वहां 15 रोजा लॉकडाउन का आज 7वां दिन था। मुतासरा इलाकों में नहायत जरूरत की सूरत में घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए जाने की इजाजत है। दूसरी जानिब अशिया खुर्दनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मेयर कराची वसीम अख्तर की दरख्वास्त पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को हिफाजती साजो सामान का अतिया किया गया। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूं। गवर्नर का कहना था कि हिफाजती सामान की फराहमी से हॉस्पिटल के अमले को अपने फराइज की बेहतर अदायगी में मदद मिलेगी। हिफाजती सामान में 1000 मुकम्मल हिफाजती लिबास, 3000 मास्क और सैनिटाइजर्स के 10 कॉटन शामिल हैं। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7400 नए टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में सूबे में 1414 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि आज 1376 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। इस तरह अब तक सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 39473 हो गई है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद रोजाना 1500 तक ले जाने की सलाहियत हासिल कर ली है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने क्वेटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरे सूबों की निस्बत बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह ज्यादा है, लेकिन खुश आइंद बात यह है कि अब सेहतयाब होने की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि शरह अम्बात सिर्फ 2% है। लियाकत शाहवानी ने कहा कि बलूचिस्तान के तमाम अजला में मुतासर अफराद में से सिर्फ 2% आइसोलेशन वार्ड में है, जबकि 98% घरों में जेरे इलाज है। दुनिया भर में अब तक 96,55,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,88,100 है। 52,44,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। ब्राजील में अब तक 54,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 43,000, इटली में 34,600, फ्रांस में 29,700, स्पेन में 28,000, जबकि मैक्सिको में 24,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबरा डॉक्टर टेड्रोस एडहनॉम ने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ हो जाएगी, जबकि कई मुल्कों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत देखने में आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वबा के पहले महीने में कोरोना के 10,000 से कम केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि गुज़श्ता माह तकरीबन 40,00,000 केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वह कोरोना वबा पर सियासत न करें, बल्कि इससे लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। कोरोना से ज्यादा मुतासर मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जहां मुतासरीन की तादाद 24,92,000 से ज्यादा है, जबकि 1,24,700 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। जी हां, और पूरे मुल्क में केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। कैलिफोर्निया ने लगातार दूसरे रोज भी सबसे ज्यादा केसेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां एक ही दिन में 6,000 से ज्यादा मुतासरीन रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान का निस्तर अस्पताल कोरोना मुतासरीन के इलाज मुआलजे में अहम किरदार अदा कर रहा है। अस्पताल में अब तक 489 मरीज दाखिल हुए, जिनमें से 271 रूबा सेहत हो चुके हैं। शिराज दुरानी की खसूसी रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर में अब तक मजमूई तौर पर 18,045 मुश्तबा अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,567 अफराद में वबाई मर्ज की तशखीस पाई गई। अस्पताल में जेरे इलाज 489 मरीजों में से 126 मुतासरीन इस मोहलिक वबा का शिकार होकर खाले के हकीकी से जा मिले हैं।
पंजाब हुकूमत ने निश्तर अस्पताल की इस्तदादे कार में इजाफे के नुमाया इकदामात शुरू किए हैं। मुतासर मरीजों के लिए मुख्तस किए गए 6 वार्ड में बेड्स की तादाद 144 से बढ़ाकर 216 और वेंटिलेटर्स की तादाद 40 कर दी गई है। वबाई मर्ज ने निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल 54 अफराद को भी अपनी लपेट में लिया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में मुकद्दस पेशे से वाबस्ता अफराद के जज्बे खिदमत में कमी के बजाय इजाफा हुआ है। हमारे पास 8 वेंटिलेटर बेड खाली है, तो हम 8 मजीद पेशेंट लेने के लिए तैयार हैं। निश्चित के हद तक हमने इंशाल्लाह पंजाब का मजबूत तरीन कोरोना सेंटर निजाम कायम कर दिया हुआ है। आप बिल्कुल ना घबराइए, सिर्फ अपनी जिम्मेवारियां पूरी कीजिए, अपने घर पे रहकर। सूबाई हुकूमत की जानिब से अस्पताल को फराहम किया जाने वाला मुतलका एहतियाती मवाद वाफिर मिकदार में दस्तियाब है। 40,000 से ज्यादा इंतहाई हसास ट्रैक सूट का इस्तेमाल के बावजूद तकरीबन 9,000 इजाफी सूट ताहाल मौजूद हैं। 24,000 के करीब N95 मास्क, 8,553 फेस शील्ड्स और 23,00,000 से ज्यादा ग्लव्स स्टॉक में मौजूद हैं। शोबे सेहत के इस्तेदादे कार में इजाफे के दो बड़े फायदे हैं। एक तो मुस्तकबिल में कोरोना जैसी मोहलिक वबाओं की रोकथाम को बरवक्त यकीनी बनाया जा सकेगा, तो दूसरी तरफ एक सेहतमंद मुआशरा जन्म लेगा। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम हैं जो रियासत के हालात कौम से 100% शेयर करते हैं। अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि वजीर आजम का ख्वाब रियासत मदीना की ताबेदार नापैरवी है। उन्होंने कहा कि पहले साल में डूबी मईशत को किक स्टार्ट कर दिखाया। उन्होंने कहा कि दुनिया इन्हें आंखें नहीं दिखा सकती, करप्ट माफिया का शोर इनका क्या बिगाड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने महकमे बल्दियात के इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया, जिसके तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन समेत महकमे के दीगर तमाम जेली इदारों की मलकियती कमर्शियल जायदादों के इंतजाम से मुतालिक उमूर को ऑनलाइन कर दिया गया है। वजीर आला ने ई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को ई गवर्नेंस और डिजिटल पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए सूबाई हुकूमत की अहम पेशरफ्त और अपनी नौइयत का मुनफरिद इकदाम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से कमर्शियल जायदादों की आसान तरीके से नीलामी मुमकिन होगी और महकमे की आमदन में भी खातिरख्वाह इजाफा होगा। कोयटा में ऑनलाइन क्लासेस के इजरा के खिलाफ मुजाहरे में गिरफ्तार किए जाने वाले तलबा और तालिबात की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए एसपी सिटी को ओहदे से हटा दिया है। अपने ट्वीट में वजीर आला ने वाजे किया कि हुकूमत ने तलबा की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया था। वजीर आला ने कहा कि तालिबात के साथ बदसलूकी करने वाली लेडी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से एहतजाज करने वाले तलबा के नुमाइंदे वक्त से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला जाम कमाल ने कहा कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमें बेहद अजीज है और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से तलबा के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। हुकूमत तलबा का कीमती साल किसी सूरत जाये नहीं होने देगी। तलबा वक्त ने मसाइल सुनने और उनके हल की यकीन दहानी पर वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। नाज़रीन, शदीद गर्मी के इस मौसम में कई इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस आवाम सख्त अजियत का शिकार है। तफसील बताएंगे कराची से ज़ीशान अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फीन को शदीद गर्मी के इस मौसम में बिजली की बिला तातुल फराहमी तो दरकिनार गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग करके लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 2.5 घंटों तक बिजली बंद की जा रही है। लोड शेडिंग से फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजुबाद, मलिर के इलाके ज्यादा मुतासर हैं, जबकि किमाड़ी, सिटी रेलवे, कोरंगी, अंचोली, गुलिस्तान जौहर, गार्डन वेस्ट, सोल्जर बाजार और पार्क कॉलोनी में भी कई कई घंटों तक बिजली की बंदिश का सिलसिला बरकरार है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है, जिससे लॉकडाउन के बायस घरों में रहने वाले लोगों, ज़ईफ़ अफराद की तकलीफ बढ़ गई है, जबकि बच्चों की ऑनलाइन तालीम का भी हर्ज हो रहा है। 2 घंटे आती है, 6 घंटे पता ही नहीं है लाइट का कि लाइट है या नहीं है, कोई टाइम नहीं है। मतलब आधी घंटा देते हैं, फिर 2 घंटे 3 घंटे गायब हो जाती है। गवर्नमेंट का काम है इनका एग्रीमेंट कैंसिल कर दे
और अपने हाथ में ले 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 के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक का आज का नहीं, जब से के इलेक्ट्रिक बिकी है जब से ये प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम बढ़ते चला जा रहा है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक तर्जुमान के मुताबिक ईंधन की सप्लाई में तातुल के सबब शॉर्ट फॉल का सामना करना पड़ रहा है। करेंटली हमारी तकरीबन 2800 टन पर डे की फर्नेस ऑयल की डिमांड है, तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर 800 टन की शॉर्ट फॉल है। साथ साथ आरएलएनजी में भी थोड़ी सी कमी का सामना आया है। जो विंड कॉरिडोर है वहां भी विंड का प्रेशर कम हुआ है, जिससे हमारे जो सप्लाईज आती थी विंड पावर प्लांट्स की जानिब से उसमें भी कमी आई है। फॉल्ट और दीगर खराबी का बहाना करके अलग से बिजली बंद करने का सिलसिला भी जारी है। आवाम का मुतालबा है कि अरबाब इख्तियार गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस ले और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। जशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कुशवाहा में ऑक्सीजन फैक्ट्री के मालिक ने कोरोना से मुतासर गरीब और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त ऑक्सीजन गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी करने के लिए इंडस्ट्रीज के ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। गुजरावाला से रिपोर्ट कर रहे हैं शहरयार पाक। गुजरावाला में ऑक्सीजन गैस बनाने वाली वाहिद एक ही कंपनी है जिन्होंने अपने प्लांट की प्रोडक्शन कोरोना मरीजों के लिए वकफ कर दी है और तमाम अस्पतालों के साथ साथ होम आइसोलेशन वाले अफराद तक भी ऑक्सीजन गैस बिल्कुल मुफ्त पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों से देख रहे बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से लोगों के पास गैस नहीं, डॉक्टर्स के घर में गैस नहीं थी, ऑक्सीजन जिनको जरूरत थी ऑक्सीजन की उनके घर में नहीं थी, उन सबको अल्लाह के करम से हमने सबको गैस इधर से ऑक्सीजन भर के दी है। कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद जहां ऑक्सीजन गैस की किल्लत पैदा हुई तो वहीं मुनाफा खोर माफिया ऑक्सीजन गैस के मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, मगर इस क्राइसिस में बिल्कुल मुफ्त ऑक्सीजन मिलने पर गरीब अफराद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। इन्होंने मुझे डेली जो है मुझे गैस भी दी है ऑक्सीजन, ठीक है, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी। फैक्ट्री मालिक के तमाम कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करने के इस काबिल सताइश इकदाम से शहर की मार्केट और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी होगी। शहरयार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि रात के औकात में बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, दादू, मोहनजोदड़ो 46, जकमाबाद और रोहड़ी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेलों की खबरों में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे तो आपको बताते चलें कि दौरे इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल 18 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में शामिल 11 अरकान की कोरोना टेस्टिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया, जबकि पहले मरहले में मुस्बत नतायज आने वाले 10 खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के एक रुकन का दूसरा कोविड-19 टेस्ट आज होगा। 5 रिजर्व क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम टेस्ट के नतायज का ऐलान 27 जून को करेगा। पहले मरहले में कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले खिलाड़ी बायोसिक्योर इंतजाम के साथ लाहौर के मकामी होटल में मुकीम हैं। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 58वां इजलास बजरिया वीडियो लिंक आज होगा। वर्चुअल इजलास में चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिपोर्ट्स, क्रिकेट क्लबों का मॉडल लाइन और उसके ऑपरेशनल कानून, बजट 2020-21 और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातचीत होगी। सॉकर की बात करते हैं तो इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल की 30 साल बाद टाइटल के हुसूल के लिए पेशकदमी जारी है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। माड्रिड में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने मलॉर्का को 2-0 से शिकस्त दी है। खेल के पहले हाफ में रियल माड्रिड के नौजवान खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने गोल करके टीम को बर्तरी दिलाई। वक्फे के बाद कप्तान सर्गियो रामोस ने फ्री किक पर शानदार गोल करके टीम को 2-0 से कामयाबी दिलवाई। पॉइंट्स टेबल पर रिवायती हरीफ रियल माड्रिड और बार्सिलोना की बिलतरतीब पहली और दूसरी पोजीशन है।
कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर न्यूयॉर्क और बर्लिन मैराथन रेसेस मनसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क में मुकाबला 1 नवंबर को शेड्यूल था। मुंतजमीन के मुताबिक बर्लिन रेस 26 सितंबर को, जबकि न्यूयॉर्क में मेयर दफ्तर के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी मैराथन रेस शुरका मद्दाहों और स्टाफ की सेहत और हिफाजत के लिए मनसूख कर दी गई है। बॉस्टन समेत अब तक 6 बड़ी मैराथन रेसेस में से 3 रेसेस नहीं होंगी। और अब फिर क्रिकेट की बात करते हैं, तो कोरोना के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपना दौरा श्रीलंका मुलतवी कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नई तारीखों का ऐलान बाहमी मुशावरत से बाद में किया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को जुलाई और अगस्त में अपने दौरे श्रीलंका में 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी अपना बांग्लादेश का दौरा मुलतवी किया था। इसी के साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज से फिलहाल इतना ही। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जाने। शुक्रिया समी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। मनाजिर हुसैन और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।